नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। राज्य सरकार के आदेश पर पोषण माह मनाया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य के प्रति सभी जागरूक हो सके। स्वास्थ्य को लेकर सरकार के द्वारा यह पूरे महीने पोषण माह मनाई जा रही है, जिसमें जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार बच्चे, युवा और महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं, और इसी को लेकर एक रथ रवाना भी किया गया। इस जागरूकता रथ के माध्यम से आम ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि स्वस्थ भोजन करें ताकि आप स्वस्थ रहें, हरी सब्जियों के साथ अन्य चीजों का सेवन करें, और इसको लेकर सेविकाओं के द्वारा एक जुलूस भी निकाली गई, जिसमें लोगों को जागरूकता करने के साथ नारा भी लगाई और यह रथ पूरे शहर के होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी रवाना हुआ। हम लोग भी उड़ जाएंगे खड़ा होते होते। ये पूरी माह पोषण अभियान के अंतर्गत हम लोग को कार्य करना है, और जो हम अन्य दिनों में भी सिखाते हैं कि बच्चों को पोषित कैसे करें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे इंटरवेंशन करने हैं। अब जैसे छोटी सी बात हो जाती है कि बच्चे को 6 माह से जो नीचे है उनको ऊपरी कुछ भी नहीं देना है माँ के दूध के अलावा, ये बस बहुत छोटी सी बात है पर हम लोग करते नहीं है, जिस वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार कब शुरू करना है ये हर घर घर जाके बताना है। तो ये एक पोषण अभियान के तहत अलग जगाया गया है और सभी सेविकाएं हर घर में जाके इस संदेश को पहुंचाएंगी। बच्चे कुपोषित न हो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और इसी के तहत आज जिला पदाधिकारी द्वारा उद्घाटन भी किया गया।